हेलो एवरीवन, वेलकम टू फरहीन क्लासेस। करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह के और दूसरे सारे वीडियोस को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल फरहीन क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, सो इस करंट अफेयर्स के वीडियोस के अलावा एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज भी चल रहे हैं, उन सारे वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का ये वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 5th। ऑलरेडी 4th पार्ट की डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है और ये रहेगा लास्ट पार्ट फॉर दिस मंथ, दैट इज द मई। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल मैच रेफरी बाय आईसीसी। आईसीसी ने किसे फर्स्ट फीमेल मैच रेफरी के तौर पर अपॉइंट किया है? ऑप्शंस आर ए मैरी वॉल्जॉन, बी शिवानी मिश्रा, सी जैकलिन विलियम्स और डी जी एस लक्ष्मी। द करेक्ट वन इज डी, जी एस लक्ष्मी को अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट फीमेल मैच रेफरी, ओके, बाय द आईसीसी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। अगर पॉसिबल है तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन जज हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर फिजी। ऑप्शंस है हमारे पास ए शरद अरविंद बोबडे, बी मदन बी लोकुर, सी एन वी रामना, डी अभय मनोहर सप्री। करेक्ट आंसर है हमारा ये बी, मदन बी लोकुर। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी। ये मदन बी लोकुर जो थे ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है इंडिया से, ठीक है, और इन्हें फिजी के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है एज अ जज ऑफ इट्स नॉन रेजिडेंट पैनल। ओके, तो फिजी में इन टोटल 3 सेशंस होते हैं एक साल में और जस्टिस लोकुर जो है ये अगस्त सेशन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज बीन फेलिसिटेटेड बाय काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर प्रमोटिंग चिल्ड्रन राइट्स। ऑप्शन है आमिर खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर या फिर अजय देवगन। राइट आंसर है सी, अनिल कपूर। ही इन्हें ही CEUCC ने फेलिसिटेट किया है फॉर प्रमोटिंग चिल्ड्रन राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन अवार्डेड द यूएन सासाकावा अवार्ड 2019 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ऑप्शंस है ए अजीत कुमार डोवल, बी पीके मिश्रा, सी नृपेंद्र मिश्रा या डी कुणाल सिन्हा। करेक्ट आंसर इज बी, पीके मिश्रा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट प्रमोद कुमार मिश्रा जो ओडिशा बॉनिक आईएएस ऑफिसर है और ये एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो इन्हें इस बार प्रेस्टीजियस यूनाइटेड नेशन का सासाकावा अवार्ड मिला है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, ठीक है, 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिम्बिक्स 19 व्हिच इज द 26th नेवल ड्रिल एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ही आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया है दैट सिम्बिक्स 19 ये कौन सा एडिशन है, ये 26th एडिशन है इस नेवल ड्रिल का जो होगा इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है स्वीडन, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका या फिर सऊदी अरेबिया। करेक्ट इस बी, सिंगापुर के साथ ही इंडिया का ये सिम्बिक्स एक्सरसाइज होता है जो एक नेवल ड्रिल एक्सरसाइज है। ओके, तो कहाँ पे हो रहा है ये, साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट, Who has officially been elected as a new president of Indonesia? Options are A. Maruf Amin, Prabowo Subianto, Joko Widodo, D. Sandiaga Uno. ठीक है, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के तौर पे किसे इलेक्ट किया गया है? राइट आंसर इज सी, जोको विडोडो, ठीक है, ये इनका सेकेंड टर्म है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। ऑप्शन है जापान, ताइवान, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। द राइट वन इज बी, ताइवान। ताइवान बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जोका अलहारती हु वन द 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री। जोका अलहारती जिन्हें 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है, पूछा जा रहा है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। ऑप्शन है ए ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर ओमान। करेक्ट आंसर है हमारा डी, ओमान, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए। ओके, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फर्स्ट टाइम ये अरबिक लैंग्वेज राइटर को दिया गया है, उनका नाम है जोखा अलहारती, ये है ओमान से और उनके बुक का नाम है कैलेस्टियल बॉडीज, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल आईएम कोर 2019 हैज स्टार्टेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। बोर्ड ब्लेयर, मिनिकॉय, दमन एंड दीव या फिर कावरती। तो इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज जो हुआ है
ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर, दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और ये है इसका 8th एडिशन. क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ऑप्शन आर ए जूलियस मेलेमाबी, थैबो मेबेकी, सी ममूसी माइमेन, सी साइरिल रामफोसा. सो राइट आंसर इज डी साइरिल रामफोसा, उन्हें इस बार री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. Question number 11, which of the following countries has been officially recognized as malaria free in the WHO African region? Okay, malaria free country kise recognize kiya gaya hai by the WHO African region? Option hai Nigeria, Morocco, Algeria ya phir Tanzania. Correct answer hai hamara C, Algeria. Theek hai, to Algeria aur Argentina ye do aisi countries hain jise malaria free country declare kar diya gaya hai, because ये तीन कंसेक्यूटिव ईयर्स में एक भी मलेरिया केसेस नहीं मिला है इन दो कंट्रीज में. ओके, लेकिन चूंकि यहाँ देखिए हमें पूछा जा रहा था अफ्रीकन रीजन, तो इसलिए आंसर होगा सिर्फ अल्जीरिया. और इसके अलावा जो कंट्री है, दूसरी कंट्री अर्जेंटीना, ये भी अब मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दी गई है बाई WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, वॉट इज इंडियाज रैंक इन द 2019 एडिशन ऑफ द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग. Options are A, 43rd, B, 41st, C, 44th, या D, 42nd. Right one is A. India की ranking IMD World Competitiveness Ranking में है 43rd. Okay. तो first position पे कौन है? First position पे है Singapore. और next है Hong Kong. And the third one is US. But India की ranking है 43rd in the most competitive, for the most competitive economy in 2019. Okay. तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया मे मंथ के करंट अफेयर्स को. अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को. और अगर अब तक आप लोगों ने इस फरहीन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, बिकॉज इसके अलावा भी दूसरे सारे वीडियोज़ अपलोड हो ही रहे हैं ऑन डेली बेसिस. सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. Bye, take care.